सब्सक्राइब करिए एसआर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है ऑल न्यू बजाज पल्सर एनएस 160 एबीएस वेरिएंट का रिव्यू। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं बाइक में, इसलिए एक क्विक रिव्यू रखूँगा, वीडियो शॉर्ट रखूँगा और शॉर्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करूँगा। पल्सर एनएस 160 की स्टाइलिंग एनएस 200 से बोरोड है और काफ़ी एग्रेसिव लुक्स के साथ ये बाइक देखने को मिलती है। फ्रंट हेलोजन हेडलैम्प, दो पायलट लैंप्स के साथ और रियर प्रोफाइल में ट्विन एलईडी ब्रेक लाइट्स देखने को मिलती हैं और एल्युमिनियम फिनिश्ड टेल टाइडी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश और स्पोर्टी नज़र आती है। साइड प्रोफाइल पर स्कल्प्टेड टैंक देखने को मिलता है, जिस पर 160 की स्टिकरिंग है। लुक्स बाइक के डिसेंट, स्पोर्टी और मस्कुलर कह सकते हैं। इंडिकेटर्स इसमें एलईडी नहीं मिलते, जो कि कंपनी ने कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए करा होगा। इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिससे बाइक के लुक्स और ज़्यादा स्टाइलिश और स्टनिंग हो जाते हैं। इंजन इसमें ट्विन स्पार्क DTSI मिलता है, जो कि मैक्स पावर 15.5 PS की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 14.6 न्यूटन मीटर्स का। पावर फिगर्स 160cc बाइक के हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव हैं और मैंने राइड करी तब भी पावर बाइक में काफ़ी अच्छी थी। एक्सेलरेशन और मिड रेंज परफॉर्मेंस बाइक का अच्छा लगा। ये इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और गियर शिफ्ट्स बाइक के सॉफ्ट थे। जैसे नॉर्मली बाइक्स में क्लिक साउंड आता है गियर डालने का, वैसा इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा था, लेकिन लो स्पीड्स पर गियरबॉक्स मुझे नॉची फील हुआ, यानी कि गियर्स थोड़े से अटक गए थे। ये इंजन ऑयल कूलिंग के साथ मिलता है, जिससे बेटर कूलिंग मिलेगी हाई टेम्परेचर्स पर। रिफाइनमेंट लेवल बाइक का अच्छा है और एग्जॉस्ट नोट भी सूदिंग है। वाइब्रेशंस की एक पुरानी दास्तां चली आ रही है बजाज की, जो कि आपको फील होंगे हाई स्पीड्स पर, हाई रेविंग पर, टैंक पे और फुट पेग्स पे। माइलेज इसका क्लेम तो नहीं है, ARAI सर्टिफाइड माइलेज नहीं है, लेकिन 40 से 45 का माइलेज ये दे सकती है, मेरा एस्टीमेट लगा रहा हूँ। और राइडिंग स्टाइल अच्छा होता है तो उससे भी अच्छा ज़्यादा माइलेज मिल सकता है। माइलेज बढ़ाने की पूरी नॉलेज मैंने दी है अपनी एक ही वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हो सकता है वो वीडियो देखने के बाद आपकी बाइक का माइलेज बढ़ जाए। एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो इसमें किक भी देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स अपनी बाइक से हटाते जा रहे हैं, लेकिन बजाज डाउन टू अर्थ है और किक दिया है ताकि कभी बैटरी लो हो जाए तो राइडर को परेशान ना होना पड़े। बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश बाइक का काफ़ी अच्छा था। फाइबर पार्ट्स की क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन हल्के से रैटल कर रहे थे जॉइंट्स पर से, पर इतना नॉर्मल होता है। अब मैं रिव्यूअर हूँ तो मैंने पकड़ ली वो चीज़, लेकिन आपको नोटिस करना मुश्किल हो जाएगा। मेटल क्वालिटी और फुटरेस्ट का फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा था बाइक में, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो इसमें पार्ट डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें एनालॉग टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्विन ट्रिप मीटर्स, क्लॉक, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर देखने को मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर और माइलेज इंडिकेटर मिसिंग है, जो कि अब दूसरे ब्रांड्स अपनी स्कूटर्स तक में प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लो बैटरी इंडिकेटर और लो ऑयल इंडिकेटर, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं। कम्फर्ट देखें तो बाइक का कम्फर्ट तो मुझे अच्छा लगा है। सीट काफ़ी बड़ी हैं, दोनों राइडर और पिलियन को बैठने के लिए काफ़ी बड़ी जगह मिल जाती है। सीट कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक मिलता है एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ और रेयर नाइट्रॉक्स फिल्ड मोनोशॉक मिलता है। राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफर साइड पर है, अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करने के लिए और पेरीमीटर फ्रेम की वजह से यह हुआ है, जो कि एनएस 200 से बोरोड है, लेकिन स्विंग आर्म चेंज्ड है इस बाइक में। ओवरऑल राइड क्वालिटी बाइक की काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बस सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लगी और मैं हूँ 5.8 फिट का और कम्प्लीटली फीट प्लांट में नहीं कर पा रहा था ज़मीन पर। क्लिप ऑन हैंडल बार्स इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि स्पोर्टी लुक देते हैं बाइक को, और राइडिंग पॉस्चर अपराइट है तो कम्फर्ट के मामले में बाइक डिसेंट है। टायर्स इसमें देखें तो फ्रंट टायर 90x90 का मिलता है और रियर टायर
120x80 का मिलता है। दोनों टायर्स ट्यूबलेस हैं, लेकिन टायर्स मुझे पर्सनली उतने ग्रिपी और स्पोर्टी नहीं दिखे। बजाज थोड़े फैटर टायर्स प्रोवाइड करता तो ज़्यादा अच्छा होता। ब्रेकिंग इसमें देखें तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ हुआ है वो है ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे व्हील स्किड नहीं होता है पैनिक ब्रेकिंग के टाइम। सिंगल चैनल ABS इसमें देखने को मिलता है। लोग कहेंगे कि रियर डिस्क पर भी ABS की प्लेट डली हुई है तो डुअल चैनल ABS होगा, लेकिन रियर ब्रेक पर सिर्फ स्पीड सेंसर की प्लेट है। वो ABS जो वर्क करेगा वो सिंगल चैनल ही वर्क करेगा, यानी कि सिर्फ फ्रंट व्हील पर ही वर्क करेगा। फ्रंट डिस्क इसकी 240mm की है जो कि डिस्कवर से बोरोड है और काफ़ी छोटी है, और रियर डिस्क इसकी 230mm की है जो कि डिसेंट है। ब्रेकिंग रिस्पॉन्स बाइक का अच्छा है, इनिशियल बाइट नहीं है ब्रेक्स में, लेकिन ABS यूनिट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 12 लीटर्स की है जो कि सफिशेंट है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 176mm का है जो कि काफ़ी अच्छा है। 160cc बाइक सेगमेंट में ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इसी वजह से आप अनडबली स्क्रैच नहीं करेंगे स्पीड ब्रेकर्स पर। व्हील बेस इसका 1370mm का है जो कि लॉन्गर व्हील बेस है, और इसी वजह से हाई वेस पर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इस बाइक की काफ़ी अच्छी मिलती है। कर्व वेट इसका 145kg का है जो कि मीडियम कह सकते हैं, ना ज़्यादा लाइट वेट बाइक है और ना ही ज़्यादा हैवी वेट बाइक है। NS160 के कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा राइवल है इसका अपाचे RTR 160 4V, फिर आती है होंडा हॉर्नेट 160R, होंडा X-Blade, सुजुकी जिक्सर और यामाहा FZ। NS160 एक अच्छी बाइक है स्ट्रीट राइडिंग और डेली कम्यूट के हिसाब से। इंजन में कोई मेजर कंप्लेंट इसमें नहीं है। हैंडलिंग बाइक की अच्छी लगे मुझे, ईजिली फ्लिकेबल है ट्रैफिक के राइडिंग के हिसाब से, और कंफर्ट भी अच्छा लगा। बस पर्सनली इस बाइक में टायर्स मुझे थोड़े पतले लगे, स्पोर्टी टायर्स कंपनी प्रोवाइड करती तो ज़्यादा अच्छा लुक मिलता, लेकिन पतले टायर्स की वजह से माइलेज अच्छा मिलता है। इसमें दो वेरिएंट्स मिलेंगे आपको, एक ट्विन डिस्क ABS वेरिएंट जिसका मैंने अभी रिव्यू करा, और एक सिंगल डिस्क विदाउट ABS। ट्विन डिस्क ABS मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 93,000 अप्रॉक्स, और सिंगल डिस्क की प्राइस है 83,000 अप्रॉक्स। दोनों वेरिएंट्स में 10,000 का फ़र्क यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। ऑन रोड प्राइसेस सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, टाइम टू टाइम वेरी करती हैं, इसलिए वो मैं आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं बता सकता कि आपकी सिटी की ऑन रोड प्राइस कितनी है। वो आपको आपके नियरेस्ट डीलर पर ही जानने को मिलेगी। प्राइस के हिसाब से मुझे NS160 एक परफेक्ट पैकेज लगी। कंफर्ट, इंजन और इन सब चीज़ों से कोई कंप्लेंट थी नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स बाइक की कवर कर दी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी टू व्हीलर से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो। सिर्फ रिव्यूज़ ही नहीं, नॉलेज भी आपको मिलती रहेगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।